आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल देश में गेहूं की फसल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, क्योंकि बढ़ती गर्मी से फसलों पर असर दिखा है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस साल गेहूं की फसल पिछले साल के मुकाबले 7-8% तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल देश में गेहूं की फसल सिर्फ इतनी ही हुई है कि वो घरेलू खपत को पूरा कर सके। उन्होंने साफ किया है कि भारत गेहूं एक्सपोर्ट के मामले में कभी भी अग्रणी नहीं रहा और सिर्फ 2 साल पहले देश ने सरप्लस गेहूं को एक्सपोर्ट किया, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में भी नहीं था। दरअसल भारत ने दुनिया भर में गेहूं के बढ़ते दामों के बीच निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिक्रिया दी थी। ये पूछे जाने पर कि गेहूं के उत्पादन में कमी की वजह क्या है, पीयूष गोयल ने कहा कि पूरे भारत में बढ़ती गर्मी का असर फसलों पर दिखा है। अप्रैल और मई के महीने में लू की वजह से उत्पादन घटा है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि गेहूं के उत्पादन में 8% तक की गिरावट संभव है, हालांकि आशंका है कि गिरावट और भी ज्यादा रह सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले से ही सरप्लस गेहूं का एक्सपोर्ट कर चुके हैं और जरूरतमंद और मित्र देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेंगे। गेहूं उत्पादन का शुरुआती अनुमान 11.1 करोड़ टन का था, हालांकि नया अनुमान 10.6 करोड़ टन का है। महंगाई पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि महंगाई का असर है, लेकिन वो सभी कमोडिटी पर नहीं है। जैसे चावल अभी भी महंगाई के असर से थोड़ा दूर है, वहीं गेहूं पर महंगाई का असर दिखा है, लेकिन ये कीमतें अभी चिंताजनक स्तर पर नहीं पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल फलों और सब्जियों की कीमतों में बढ़त रही है। वहीं दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में उछाल का असर सरकारी खरीद पर देखने को मिला है। इस साल अब तक सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद पिछले साल के मुकाबले 53% नीचे है। अब तक सरकार ने 182 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। वहीं पिछले साल गेहूं की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, जब सरकार ने 433 लाख टन गेहूं खरीदा था। अनुमान है कि इस साल सरकार की कुल गेहूं खरीद 195 लाख टन रह सकती है। सरकार के मुताबिक इस साल विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमतों में उछाल की वजह से निजी कंपनियां किसानों को अच्छे भाव दे रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान अपना गेहूं निजी कारोबारियों को बेच रहे हैं और अब किसान अपना अधिकतर गेहूं व्यापारियों को बेच चुके हैं। अब जो भी स्टॉक है वो व्यापारियों के वेयर हाउसेज में है। किसानों के पास सिर्फ अब अपनी रोजमर्रा की जरूरत का ही गेहूं बचा हुआ है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।